सोहेल एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल गाइज दिस इज़ निशान फ्रॉम द लॉसर तो गाइज आज अपन बात करेंगे मैंने जो आज का लॉस किया है उसके पीछे का रीज़न क्या था और काफ़ी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी मैं बताऊँगा कि मतलब इतना ही लॉस मुझे क्यों हुआ और भी बढ़ सकता था क्या या फिर मतलब क्या ये लॉस को मैं अवॉइड कर सकता हूँ या फिर कोई भी जो ट्रेडर है वो अवॉइड कर सकता है क्या सारी चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे और साथ में कल के मार्केट के बारे में मैं बताऊंगा कि कल की क्या कंडीशन रहने वाली है और मतलब क्यों इतना प्रीमियम डिके हो रहा है और मार्केट <coughs> बढ़ रहा है लेकिन ऑप्शंस की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उन सबका रीज़न आज अपन बात करेंगे तो पहले कल के लेवल के बारे में बता दूँ जो कि मैंने इसी वीडियो में बताया था जिसके ऊपर मुझे एंट्री लेनी थी तो भाई कल के जो मैंने लेवल बताए थे वो था पैंतीस हज़ार छः सौ जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल का मैंने डिसाइड किया था ये जो थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का जो ये जो लेवल था मैंने बोला था कि मैं इसके ऊपर एंट्री लूँगा कॉल में और उसके ऊपर ही मैं ट्रेड करूँगा तो जैसे ही आप देख सकते हो आज का जो ट्रेड मैंने लिया मैंने सिर्फ दो ट्रेड लिए थे और उसमें मुझे पाँच हज़ार के समथिंग का लॉस हो गया था तो मैं आपको दिखाऊंगा लॉस भी तो आ, आप देख सकते हो कि जैसे ही इसने ये लेवल तोड़ा है अपना पैंतीस हज़ार छः सौ का उसके बाद इसने मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट कराया है आप जैसे कि मैं बताऊं कि मैं फर्स्ट कैंडल जैसे कि ये जो कैंडल है ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है डे की मैं पहली बात मैं फ़र्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल शुरुआत के तीन कैंडल्स में ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ खासकर इतनी वॉलीडिलिटी बढ़ते हुए मैं थ्री कैंडल फर्स्ट थ्री कैंडल में ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ क्योंकि इस पर लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस पर इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है सौ वाली चीज़ दो सौ तीन सौ की हो जाती है कभी तीन सौ वाली चीज़ पचास रुपए की हो जाती है इस वजह से मैं शुरुआती तीन कैंडल में ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ मैं मार्केट खुलते ही पहले मैं लेवल्स डिसाइड करता हूँ जो कि मैंने लेवल्स एक दिन पहले बनाए रहते हैं उनके बेसिस पर मैं अपने स्टॉप लॉस में जो कहाँ एंट्री लेनी है उनको डिसाइड करता हूँ फिर ही मैं ट्रेड करना शुरू करता हूँ तो गई बात करते हैं आज जो मैंने लॉस किया उसका क्या सीन था तो गाइज़ आप देख सकते हो कि जैसे ही इसने ये लेवल तोड़ा है थर्टी फाइव सिक्स हंड्रेड का उसके बाद ही उसके अगले दो तीन कैंडल के अंदर ही मुझे मेरा टारगेट नहीं मिला और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया ठीक है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद का ये सीन था कि आ, मतलब मैं ये देख रहा था कि बायर्स की आज बहुत आई I मीन mean, ट्रेडर्स की बहुत कमी थी आज आ, मतलब वॉल्यूम की ही कमी थी पूरे के पूरे मार्केट में मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली में मार्केट तो ऊपर जा रहा था बट ऑप्शंस के प्राइस भी नहीं होते कल भी मेरे साथ यही हुआ था तो कल मेरे को छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट करना पड़ गया और आज भी यही हुआ है प्राइस ऊपर जा ही नहीं रही है और प्रीमियम की वजह से प्राइस नीचे बहुत तेज़ी से आ रही है जैसा कि आप जानते हो मैं ऑप्शन बायर हूँ मैं ऑप्शन सेल नहीं करता हूँ और एक ऑप्शन बायर के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है उनमें से नंबर वन ये है कि अपन ट्रेड लगा के अपन सो नहीं सकते कहीं घूम नहीं सकते हैं क्योंकि डिसीजन बहुत फास्ट लेने होते हैं तो हम लोग को जितने भी बायर्स होते हैं क्योंकि प्राइस अगर आपका प्राइस ऊपर चला गया तब तो ठीक है लेकिन एक भी कैंडल छोटी सी भी कैंडल आएगी तो वो आपका पूरा स्टॉप लॉस पूरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब कुछ लेके चली जाएगी तो इसलिए डिसीजन जो होते हैं वो अपने को फास्ट लेने पड़ते हैं एज एन ऑप्शन बायर तो नहीं, नहीं, क्योंकि मेरे सेंटिमेंट से जो पॉजिटिव थे कल भी मार्केट ने एक बड़ी सी रैली दी थी इस वजह से मैंने पुट में कोई एंट्री नहीं ली आज और क्योंकि मेरा लॉस का जो लिमिट था वो भी ख़त्म हो गया था एक दिन में मैं चार पाँच हज़ार से ज़्यादा का लॉस लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कल भी मार्केट खुलेगा कल अपन ट्रेड करेंगे कल वापस से प्रॉफिट करेंगे कोई चिंता की बात नहीं है तो मैंने जो आज ये लॉस किया है उसमें मेरा पहला जो ऑर्डर था उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया ये वाला और दूसरे ऑर्डर में मेरा यहाँ पे फिर से मैंने उस लेवल के ब्रेक होने का वेट किया और फिर आ, मैंने जब एंट्री ली तो वो मेरा टारगेट टच नहीं किया और उसने वापस से स्टॉप लॉस हिट कर दिया फिर मैंने कुछ नहीं किया मैंने बंद कर दिया क्योंकि उससे ज़्यादा लॉस मैं ले नहीं सकता मेरी जो डेली लिमिट देल है लॉस की वो ख़त्म हो चुकी थी भले उसके बाद एक रैली आ गई उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी रैली आ गई वो पुट की क्योंकि मेरा लॉस का लिमिट खत्म हो चुका था अब उसके आगे मेरे को रिस्क लेना ही नहीं तो यही था इस जो मतलब एक ट्रेडिंग का जो माइंडसेट अपने को बना के चलना है मैं आपको बता दूं कि आपके जो लॉसेस के लिमिट पहली चीज़ ट्रेड करना ही है तो पूरे प्रिपरेशन के साथ मतलब आपको लिखना है एक दिन पहले कि कल आपके मैच किए गए सेंटिमेंट्स के हिसाब से मार्केट कल कैसा परफॉर्म करने वाली है कि कैसे टारगेट्स आपके होने चाहिए आपको डेली टारगेट प्रॉफिट का भी रखना है और डेली टारगेट लॉस का भी रखना है धीरे 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 जब आप सही ट्रेडर बनेंगे जैसे मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ ट्रेडर सही बनने का ऐसा नहीं है मेरे को लॉस नहीं होता आप देख सकते हो मेरे को भी आज लॉस हुआ है उसी के बारे में बता रहा हूँ जो बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ मैं कि ऐसा नहीं कि लॉस को कोई अवॉइड कर सकता है लॉस अवॉइड नहीं कर सकते एज अ ट्रेडर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी जो हैं वो लॉस करते हैं आप यूट्यूब पर ही चल जाओ आप सुबह शिशवानी जो है पावर ऑफ स्टॉक उनको भी देख लो घनश्याम सर को भी देख लो वो भी लॉस करते हैं भले वो दिन का डेढ़ करोड़ निकालते हैं उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो दस दस तीस तीस चालीस चालीस लाख रुपए का वो लॉस करते हैं तो लॉस अवॉइड नहीं कर सकते आप हाँ लेकिन बड़ा स्टॉक बड़ा लॉस जो है आप अवॉइड कर सकते हो स्टॉप लॉसेज और मतलब अपने मतलब क्लोज़ करके मार्केट को आप बड़े लॉसेज का अवॉइड करते हो तो अपना टारगेट यही है कि लॉस जो है वो छोटे करने हैं और प्रॉफिट के लिए बने रहना छोट एक 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 ऑर्डर लिया आपने स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं दूसरा लिया फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं तो आपको ट्रेड तब तक करना है जब तक आपका आ, लॉस का लिमिट एंड ना हो जाए मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी ट्रेड उठा ले ट्रिगर आने पे ही उठाना है सेंटीमेंट्स के साथ जब आपका ट्रिगर मैच करेगा तभी ट्रेड उठाना है बिना मर्जी कैसे ट्रेड नहीं उठा सकते तो मेरा यही कहना है कि आपको डेली टारगेट लिखना है प्रॉफिट का भी और लॉस का भी तो ट्राई करो कि लॉस के जो टारगेट है वो परमानेंट मार्कर से लिखो भले प्रॉफिट के जो टारगेट हैं आप पेंसिल से लिखो इरेजेबल आप उसको मिटा दो बट लॉस के टारगेट आपको परमानेंट मार्केट से ही लिखने पड़ेंगे क्योंकि आपको फिक्स करना पड़ेगा कि एक दिन में मैं कितना नुकसान लूँगा क्योंकि जब आप सही होते हो जब मुझे प्रॉफिट होता है मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ जब मुझे प्रॉफिट होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं तब तो मैं होल्ड कर लूँगा कोई दिक्कत नहीं आपने देखा होगा मेरे नाइन्टी थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड वाले ये सबके प्रॉफिट में मैंने तीन तीन सौ चार चार सौ पॉइंट होल्ड किया है लेकिन बात ये होती है कि जब आप गलत हो जाते हो जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है जब मार्केट आपके हिसाब से मूव नहीं करती तो वहाँ पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो ये पूरी आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है तो यही है इसका बेस्ट तरीका यही है कि प्रिपरेशन करके रखो बिना प्रिपरेशन के अगर ट्रेड करने आओगे जब यही नहीं पता है कि मेरा आज का टारगेट क्या है प्रॉफिट का या लॉस का तब तो आप कंटिन्यूसली ट्रेड लेते ही रहोगे लेते ही रहोगे उससे कुछ होगा नहीं बस यही था मैं मेरे दो स्टॉप हिट हो गए और मैंने जो ट्रेड लिया आ, इस हिसाब से ही लिया मेरे दोनों स्टॉप हिट हो गए मुझे पाँच साढ़े पाँच हजार का जो है लॉस हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो पाँच के समथिंग का मेरे को आज का लॉस हुआ है बट कोई बात नहीं ये रिकवर तो हो ही जाएगा नहीं भी होगा तो कोई नहीं इसका मार्केट लेगा ही कुछ पैसा तो लेगा ही तभी वो देगा आने वाले टाइम पे तो ये कॉस्ट से बहुत बड़ा नुकसान नहीं लेना है अपने को छोटा नुकसान लेना है और लिमिट रीच हो जाए तो आपको बंद कर देना है ठीक है तो आप बात करते हैं अपन कि कल मार्केट कैसे परफॉर्म करने वाली है जैसे कि आप देखे हो जितना ही अपसाइड इसने मूवमेंट दिया आज उतना ही ये नीचे गिर गया ठीक है क्योंकि ये फेस्टिवल है होली आ रही है फेस्टिवल की वजह से जो मार्केट का जो मूव है मतलब मार्केट मूव कर रहा है बट ऑप्शंस के प्राइस नहीं है क्योंकि बायर्स सेलर्स की थोड़ी सी कमी हो रही है इस वजह से मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो मेरा जो कल का जो लेवल है मेरे हिसाब से कल भी पूरी ये पूरा हफ्ता ही वॉलीटाइल रहेगा ट्राई करना अवॉइड करना ट्रेडिंग की मैं तो कर ही रहा हूँ ट्रेड लेकिन कमी क्वांटिटी में कर रहा हूँ बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो कल के जो मेरे लेवल्स जो मैं बना के चल रहा हूँ अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है अगर किसी भी तरीके से तो मेरा यही सेम लेवल रहेगा क्योंकि आप देख सकते हो एक दो बार रिजेक्शन आ चुका है उसी लेवल से तो अगर इसके थर्टी फाइव सिक्स पैंतीस छः सौ के लेवल के ऊपर ये सस्टेन करता है तब जाके मैं आ, थोड़ा देर ही सस्टेन रहता है थोड़ा बहुत मूवमेंट देता है तब जाके मैं उसके ऊपर ट्रेड लूँगा क्योंकि दो बार रिजेक्शन आ गया एक दो तीन बार रिजेक्शन आ गया एक दिन में ही और आप देख सकते हो कुछ दिन पहले के भी चार्ट देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन ही आता है नीचे तो मैं ट्राई करूँगा कि आ, पैंतीस के ऊपर अगर ट्राई करूँगा पैंतीस या साढ़े या सात के ऊपर ही मैं चाहूँगा अगर मैं बुलिस जाऊँगा तब डाउन के लिए अगर कल मार्केट पहली चीज़ मैं बता दूँ मैं चौंतीस से लेके पैंतीस हज़ार दो सौ पचास के, के बीच ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट यहीं पे नाच रही है जैसा कि आप देख सकते हो रेंज क्रिएट हो गया है ये पूरा रेंज क्रिएट हो गया है यहीं पे नाचेगी मार्केट तो मैं इसके इन दोनों के बीच तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूँगा मैं ट्रेड लूँगा थर्टी फोर सिक्स हंड्रेड के नीचे या तो थर्टी फाइव सिक्स हंड्रेड के ऊपर गैप डाउन या गैप अप के ऊपर डिसाइड करेंगे अपन कल देखते हैं मार्केट का सेंटीमेंट क्या है नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव साइड में लेंगे दोनों तरफ में एंट्री नहीं लेनी है या तो अगर अगर मतलब कंफ्यूजिंग है मतलब आपको लगता है कि ट्रेड लेना ही है और जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो अपने को ट्राई करना है कि स्कैल्पिंग करके चलें मतलब कम क्वांटिटी में ट्रेड करें दोनों ही ट्रिगर में ट्रेड करें कम क्वांटिटी में ट्रेड करें और जब आपका ट्रेड आपके फेवर में जाए तो आप क्वान्टिटी बढ़ा सकते हो तो स्कैल्पिंग अगर कल हो सकेगी तो करूँगा या फिर मैं अवॉइड करूँगा ट्रेड करना क्योंकि कल भी वॉल्यूम नहीं था आज भी वॉल्यूम नहीं है और परसों होली है तो शायद ही मेरे को लगता है कि कल कल ही एक्सपायरी है अपना क्योंकि थर्सडे को शायद छुट्टी हो जाएगी मैं, मैंने देखा नहीं कि कब हो तो है होली तो वेडनेसडे को हो सकता है कल ही एक्सपायरी हो Uh, इस हिसाब इस से मैं बता रहा हूँ कि अपने कोई इसी तरीके से मैं अपने दो लेवल बता दिए इनके ब्रेक होने पे ही मैं कल ट्रेड लूँगा या फिर मैं ट्रेड अवॉइड करूँगा उस हिसाब से ही uh, अपन कल ट्रेड करेंगे पहले तो न्यूज़ चेक करेंगे पूरी प्रिपरेशन करेंगे कल का भी मेरा लिमिट इतना ही है तीन से चार से पाँच हज़ार रुपये कम क्वान्टिटी में ट्रेड है और प्रॉफ़िट का लिमिट अपना सेम है ज़्यादा नहीं वन एस टू टू या वन एस टू थ्री का प्रॉफिट रेशो रखते हैं लंबे टारगेट्स के लिए बने रहना है और लॉसेज छोटे लेने हैं लॉसेज आपको फिक्स रखना है तो गाइज देखते हैं कल क्या होता है हो सकता है कल मार्क, मार्केट ऊपर भी जाए हो सकता है नीचे भी जाए दो तीन दिन से यही हो रहा है उसी दिन ऊपर जा रही है उसी दिन एकदम यू टर्न बना दे रही है तो कल भी हो सकता है स्कैल्पिंग का ही दिन हो उस हिसाब से ही अपने को ट्रेड लेना है तो थैंक यू